हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ये जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी आपके सामने वो तस्वीरें रखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सवालों से घिरी रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। देखिए, करीब 4 मिनट का ये वीडियो है। वीडियो कब का है, कहां का है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 4 मिनट का ये वीडियो सुशांत की बहन ने भी ट्वीट किया है। रिया इसमें हंसी मजाक करती हुई नजर आ रही है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये वीडियो कब का है इसकी कोई जानकारी नहीं है। वीडियो देखिए जरा। नंगनाथ किया, बहुत इंस्टाग्राम पे किया, पर अब उनको ऐसा लगा कि अब उनका कंट्री रेडी नहीं है। आई शपथ, ऐसा ऐसा गंदा गंदा लड़का लोग अपन को मैसेज करने लगा। मृत्युंजय कुमार सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से। मृत्युंजय, ये वीडियो के बारे में जो वायरल वीडियो है रिचा चक्रवर्ती का, ये कब का है, रिया का क्या ताजा है, 14 जून के बाद का है, पहले का है, जरा सी भी कोई जानकारी है? सुमित जी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन ये रिया चक्रवर्ती का वीडियो है जो काफी आज सुबह से वायरल हो रहा है। और उनकी बहन ने भी, सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और उस ट्वीट के साथ ही रीट्वीट किया है और उस वीडियो को कुछ उस पर कमेंट नहीं किया है, कोई टिप्पणी या कोई सवाल भी नहीं उठाया है। यानी कि सिर्फ वो रीट्वीट करके एक संज्ञान में दुनिया की नजर में कुछ एक वीडियो जो रिया चक्रवर्ती का है वो लाना चाहती है। इस वीडियो के अगर हम कंटेंट को देखें तो बहुत माहौल जो है वो दोस्तों के बीच का माहौल लग रहा है और यहाँ वहाँ की बातें हो रही हैं, कुछ हंसी मजाक हो रहा है और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी हंस रहा है और जो रिया चक्रवर्ती हैं वो कुछ हंसी मजाक में गुंडे की बात करना, मेरा भाई गुंडा है, मैं भी गुंडी हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है। अब वो किस स्थिति में कह रही हैं, मानसिक स्थिति क्या है, क्या ये हंसी मजाक वाला माहौल है, कोई पार्टी का माहौल था, या ये इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो लग रहा है किसी दोस्त के साथ बैठी हुई है, बातें कर रही है, बहुत इजी मूड में है और वो जानती है कि रिकॉर्ड हो रही है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत ही आसानी से इन तमाम बातों को कर रही है। तो किसी तरह का दबाव या मानसिक प्रेशर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई ऐसे दबाव वाला ये वीडियो तो नजर नहीं आ रहा है। इस वीडियो में जो बॉडी लैंग्वेज है उस हिसाब से लग रहा है कि दो या तीन लोग इसमें भी इस कमरे में बैठे हुए हैं और बहुत कैजुअल सा माहौल है, एक पार्टी का माहौल दिख सकता है इसमें। और आखिरी में जो 4 मिनट का वीडियो है उसके आखिरी में एक लाइन बोलती है कि इसे रिकॉर्ड मत करना। तो ये कहीं ना कहीं आप कई बार हम हंसी मजाक में ऐसी जगहों पे देखते हैं, वीडियो लोग बनाते हैं लेकिन ये दोस्तों द्वारा या कोई जो साथ में बैठा हुआ व्यक्ति ने वीडियो बनाया है। पर एक चीज ये भी जिक्र कर दूं कि इस वीडियो को बिहार पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में रखा है, बिहार पुलिस ने इसे हस्तगत किया है और अपना जो रिकॉर्ड तैयार कर रही है कि क्या क्या वो मुंबई से लेकर जा रहे हैं उसमें उनकी लिस्ट में ये वीडियो है। और कहीं ये जो वीडियो है जिसमें रिया जो है वो नजर आ रही है, कब का वीडियो है, देखिए ये तो हम इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता है। हाँ, सुशांत की बहन जो है उन्होंने भी इसे पोस्ट किया है और जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं कि बिहार पुलिस ने भी इस वीडियो का संज्ञान लिया है और वो भी कहीं ना कहीं तफ्तीश कर रही है इस वीडियो को लेकर। इस वीडियो में रिया जो है वो मराठी बोलती हुई भी नजर आ रही है। इस वीडियो में रिया कर क्या रही है, कोई किस्सा सुना रही है, कोई जोक पढ़कर सुना रही है, कुछ समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है? जी देखिए, ये 4 मिनट का वीडियो है, पहले तो वो बातें कर रही हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आजकल लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, अपने बच्चों का फोटो डालते रहते हैं, बचपन बच्चा पैदा हुआ उसी समय से उसका प्रोफाइल बनाकर इतने मेरे फॉलोअर हो गए ये दिखाते हैं और वो बताती हैं कि उसके नीचे लिख दो ब्रिज कैंडी। ब्रिज कैंडी मुंबई का बहुत महंगा इलाका माना जाता है तो वो बता रही है कि ब्रिज कैंडी लिख दो तो हम अमीर दिखेंगे। और फिर वो उसे एक शब्द यूज करती है नंगा नाच, तो वो खुद कहती है मैंने भी ये बहुत किया है नंगा नाच। फिर वो आगे के दूसरे पहलू पर बात करती है, उसमें बोलती है मेरा छोटा भाई है वो बहुत गुंडागर्दी करता है लेकिन मैंने जो बात कही थी एक मैंने वो पलट गई, जैसे हम मीडिया में बोलते हैं ना कि नहीं मैंने ऐसा बयान नहीं दिया, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, इस तरह की बातें। तो अपने भाई के सामने वो पलट गई, माता पिता के सामने। फिर एक दो शब्द वो आई बाबा, मतलब माता पिता को अपने आई और बाबा का शब्द से संबोधित कर रही है। और उसके बाद वो कहती है कि हम भी छोटा मोटा गुंडागर्दी करते हैं, एक आदमी को भेज कर प्रोड्यूसर के यहाँ वसूली हम करवा लेते हैं, बोलते जा वसूली कर ले। दूसरी बात फिर वो कहती हैं कि मैंने भी पलट जाने, अपनी बातों से हम पलट जाते हैं। वो खुद ये सब बातें स्वीकार कर रही हैं हंसी मजाक में, लेकिन ये पूरा माहौल नजर आ रहा है। और आखिरी में वो जब वीडियो कंप्लीट होता है तब वो कह रही है कि इसे सब रिकॉर्ड मत करना। तो कहीं ना कहीं
हंसी मजाक में है, पर देखिए जो बातें हम ये अभी हम दावा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें सुशांत सिंह का पक्ष एक आरोप लगा रहा है कि रिया चक्रवर्ती बातों से पलटती हैं, झूठी हैं, मैनिपुलेट करती हैं, वो खुद रिया चक्रवर्ती इस वीडियो में बोल रही हैं। हालांकि किस स्थिति में बोल रही हैं, बड़ी बात ये मृत्युंजय आप जो कह रहे हैं ना कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वैसी बातें करती हुई नजर आ रही हैं रिया चक्रवर्ती इस वायरल वीडियो में, और वो भी पूरे होश आवास में। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके के नशे की हालत में वो लग रही हैं, पूरी होश आवास में वो एक तरीके से उन सब बातों को कबूल करती हुई इस वीडियो में नजर आ रही है। जो आरोप कि भाई ये बातों से पलट जाती हैं, धोखा देने में माहिर हैं, वो सुशांत का परिवार लगा रहा है रिया पर। बिल्कुल सही कहा आपने, पर अभी भी हम यही कहेंगे कि हमें उस परिस्थिति का, उस माहौल का, और वो होश में है नहीं है, क्या उन्होंने कोई पार्टी की है, ड्रिंक किया है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। पर ये वीडियो भी कब का ये भी हमें नहीं पता, पर जो बातें उन्होंने कही हैं, एक लाइन उन्होंने आखिरी में 3 मिनट के बाद एक कही है कि मेरे ऊपर भी बड़ा गुंडा बैठा हुआ है, मतलब क्या कोई उनका गॉडफादर है, क्या उनके ऊपर कुछ लोग बैठे हैं जो रिया चक्रवर्ती को गाइड करते हैं, क्या वो ऐसा कुछ कहना चाहती हैं? वो कह रही हैं कि मैंने भी बहुत गुंडागर्दी की है और मैं पलट जाती हूँ जिस प्रकार से हम अपने बयान से मुकर जाते हैं। तो ये सब जो बातें उन्होंने कही हैं, ये है तो बहुत सीरियस बातें, लेकिन अब यही सवाल उठता है कि वो किस माहौल में और किस स्थिति में, किस परिप्रेक्ष्य में कही है, ये अभी भी इसका जवाब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जी मैं समझ सकता हूं क्योंकि ये वायरल वीडियो है और अभी भी हमको अभी भी ये जानना बाकी है कि ये कब का वीडियो है, किस तारीख को शूट किया गया, सुशांत सिंह की मौत के पहले का है, बाद का है, ये तमाम बहुत से सवाल हैं जो इस वीडियो से खड़े होते हैं। लेकिन मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उसके पहले सुनने की कोशिश करते हैं और दर्शकों को सुनाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल रिया चक्रवर्ती कह क्या रही है। ऐसा नहीं है, बहुत टाइप की इंस्टाग्राम पे ग्रुप किया, पर अब उनको ऐसा लगा कि अभी अब उनका कंट्री रेडी नहीं है। आई शपथ, ऐसा गंदा लड़का लोग अपन को मैसेज करने लगा, अपन बोला अपन तुम्हारी ताई है, पता नहीं अपन ताई है ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है, ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा आजकल, एक काम कर जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो, उसको लगता है अपन का बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता, तो ये रिया चक्रवर्ती का वायरल वीडियो है। और बड़ी बात यह कि बिहार पुलिस जो है वो अब इस वीडियो की भी जांच करेगी। हालांकि एक बार फिर से दोहरा दें, वीडियो कब का है, कहां का है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। पर यह भी यहां साफ कर देना जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती का वर्जन भी आना बाकी है इस वीडियो के ऊपर, कि इस वीडियो के बारे में वो कब क्या सोच रही थी, किससे बात कर रही थी, किसने वो वीडियो शूट किया, क्योंकि वो मना कर रही हैं और शूट भी हुआ और उसके बाद अब वायरल भी हो गया है। उस पर लगातार इस खबर पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है।